क्वालिफिकेशन क्या है? मैं अभी ग्रेजुएशन होल्डर है, जो बी फार्मेसी स्कूल के पास। सर बीमा सत्तर सत्तर साल से कोर्स चल रहा है। मेरे को मन से सारी वजह जुड़े हुए पिताजी से। गुरु जी को तो आज के काम सबसे बड़ी बात तो एक मतलब जो और देखते हैं हमारी जो युवा है नशे में और में लगे, हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। मेन तो यही है अगर बुनियादी तौर पे देखें, और जो है मतलब खुशियों के लिए खुशियाँ बहुत देखते हैं, अगर उनके माने में बात हम माने उनकी कई भी बात है। सोसाइटी के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया? आप किसी को भी देख लो, इनके सामने कोई नहीं खड़ा होता जो इन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया सोसाइटी के लिए, इनके टक्कर में कोई नहीं है। अब देखा जाए तीन चार साल हो गए अब वो सोसाइटी में, अब क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव तो पड़ा ही है, आप जैसे कि देख सकते हो जब नशे वाले दुकानें वगैरह और खुल रही है, जबकि लोग नशा छोड़ रहे थे नाम देते थे वजह से, और भी बहुत है। नारी के लिए इन्होंने मतलब बहुत स्लोगन्स मतलब काम करा रखे थे, वो भी अब एक तरह से बन ली है। एक तरफ तो उनके कारण से लोग, दूसरी तरफ तुम्हें के ऊपर आरोप क्या क्या है? वही बात है, जो मतलब कोई अच्छा करता है तो उसको नीचे दबाने के लिए बहुत सारे लोग उठ जाते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन हमें विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा जो ये सब इंजाम जो इनको लगे ये हटेंगे, और ये जो कार्य इन्होंने चलाई है और बढ़ चढ़ कर चलेंगे, और सभी जने इसमें अंदर ही ऐसा क्यों लगता है? दृढ़ विश्वास। आपने कैसा माहौल देखा? सेफ्टी को लेकर कैसा माहौल? जैसा ये टीवी में मीडिया में बताया गया वैसे कुछ नहीं, ये तो बस मतलब इन्होंने पैसे खा लिए या फिर अपने ई आर पी के चक्कर में ये लोगों को बताते हैं, जो चाहते हैं उसको पता है ना क्या बात है। समाज को जरूरत क्यों नहीं है आपके नशे के लिए, क्यों ना हमारी सेना के लिए एक रक्तदान करा, सफाई अभियान हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि 133 से ऊपर कर रहे हैं, जो इनके टक्कर में कोई खड़ा नहीं था समाज के लिए जो इन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन। क्या मांग करोगे आप सरकार से? सरकार से तो यही मांग है कि जो इन पर झूठे इल्जाम डाले गए हैं उन पर दोबारा से और बड़ी कमेटी लगा के चेक कराया जाए,